ये क्या भाई 4G 4G चिपसेट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है ओप्पो F21 Pro 4G वर्सेस Realme 9s स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि ओप्पो के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ रियलमी के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। आईपीएस एलसीडी तुमसे ठीक तो यार फिर यही है, एमोलेड तो दे रहे हैं कम से कम, गुड जॉब। और वहीं अगर मैं बात करूं पिक्सल डेंसिटी की तो ओप्पो फोन के अंदर है 409 ppi की, वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन के अंदर है 400 ppi की। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। और वहीं अगर मैं बात करूं स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो ओप्पो के फोन में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में यहाँ पर ओप्पो का फोन ही विनर है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको बता दूं कि ओप्पो का फोन आउट ऑफ द बॉक्स 12 के साथ में आता है, जो कि कलर ओएस 12.1 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है, जो कि रियलमी यूआई 2.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई दोनों ही मामलों में यहां पर ओप्पो का फोन ही विनर है। और ये एंड्रॉइड 11 पे अटके हुए हैं अभी, आउट ऑफ द बॉक्स तुम क्यों नहीं दे सकता 12। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो आपको बता दूं कि ओप्पो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 684G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये क्या भाई 4G चिपसेट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और वहीं दूसरी तरफ रियलमी के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों चिपसेट के मामले में जो स्नैपड्रैगन 778 है ना भाई तगड़ा चिपसेट है। और वहीं अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के एंथोटू स्कोर की तो ओप्पो के फोन का आता है 285,000, वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन का आता है 568,000। यानी कि दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क है दोनों स्मार्टफोन के एंथोटू स्कोर में। यानी कि अगर आपको एक अच्छे एंथोटू स्कोर वाला स्मार्टफोन लेना तो आप रियलमी की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और ये 285,000 पे अटके हुए हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर LPDDR4X रैम को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओप्पो की, तो ओप्पो के फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, माइक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो ब्लैक व्हाइट कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन ठीक है भाई अच्छे हैं, लेकिन यार अगर दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेके आते ना तो ज्यादा बढ़िया रहता। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो ओप्पो के बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के बैक कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और आपको बता दूं कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की, तो आपको बता दूं कि ओप्पो के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में यहाँ पर भाई ओप्पो वाले तगड़ा काम कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो आपको बता दूं कि ओप्पो के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं फास्ट चार्जिंग की तो ओप्पो का फोन यहां पर 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन 30W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों फास्ट चार्जिंग में खास यहां पर ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों स्मार्टफोन बेस्ट हैं। और अब बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो आपको बता दूं कि ओप्पो का फोन 4G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि ओप्पो का फोन 4G के साथ में आ रहा है, मींस के दोस्तों 5G को लेकर फ्यूचर प्रूफ नहीं है भाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं अगर मैं बात करूं 3.5mm जैक की तो हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों स्पीकर्स की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें सिर्फ सिंगल स्पीकर ही दिया गया है। यानी कि दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर तो भाई देख ही नहीं मानेंगे दोनों कंपनियां, क्यों भाई
और वही अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो ओप्पो का फोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर ओप्पो का फोन ही विनर है। और वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के 8+128GB वेरियंट की कीमत है 22,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, ओप्पो को या रियलमी को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।